गर्मी के दिनों में अमूमन ग्रामीण अंचलों में पानी की किल्लतों की समस्या आए दिन नजर आती है, लेकिन महासमुंद का एक गांव ऐसा भी है जो भारी बरसात में जिला प्रशासन के सामने पानी की समस्या को लेकर गुहार लगा रहा है। दरअसल महासमुंद जिले के बांसकूड़ा के ग्रामीणों ने पेयजल की समस्या को लेकर कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंप कर कलेक्ट्रेट से पेयजल समस्या को लेकर गुहार लगाई और सिरपुर क्षेत्र के हाथी प्रभावित गांव बांसकूड़ा के ग्रामीण इन दिनों पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं। गांव में 7 हैंडपंप लगे हुए हैं, लेकिन सिर्फ 3 हैंडपंप में ही पानी आ रहा है, बाकी 4 हैंडपंप बंद पड़े हैं। पेयजल सप्लाई हमारे यहाँ 6 बोरिंग है जिसमें 4 खराब है, जो में पानी आ रहा है वो भी गंदा पानी आ रहा है जिससे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और इस समस्या को लेके हम सब अभी कलेक्टर के पास जा रहे हैं, उनसे निवेदन करेंगे कि हमारे लिए जो राशि प्रौद्योगिकी की है उसका उपयोग गोठान की जगह हमारी मूलभूत आवश्यकता जो पानी की है उसके लिए हो, क्योंकि गंदे पानी के कारण बच्चों को में और बड़ों में दोनों में ही स्वास्थ्यगत जो समस्या है, पेयजल के कारण जो समस्या है वो पैदा हो रही है, दस्त उल्टी जैसी प्रॉब्लम आ रही है। इसमें उन्होंने जो पेयजल चाहे नल जल योजना के माध्यम से हम वहाँ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, अगर वहाँ के स्रोत में अच्छा पानी मिलता है, अच्छी मात्रा में पानी मिलता है, तो वहाँ पे एक नल जल योजना बनाई जा सकती है जो उनकी मुख्य मांग थी। छत्तीसगढ़